एक नदी जिसमें सारा गांव डूब जाता है, एक गरीब आदमी और एक साइको जो अपनी ही बेटी को टॉर्चर करता था, वो सब इसी गांव में रहते थे। क्या है इनकी स्टोरी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। यहाँ इस गांव में ये औरत अपना सामान लेकर भाग रही थी, तब उसका पति उसे रोकता है। वो बहुत डरी हुई थी। वो कहती है कि मुझे सपना आया था, मैंने देखा है कि हम सब डूब जाएंगे, ये नदी हम सबको मार देगी। पर वो उसकी नहीं सुनते। और यहाँ सिटी में हम देखते हैं ह्युनसु को, जो अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रहा था। और यहाँ उसकी वाइफ और उसका बेटा उनका अपार्टमेंट देखने आते हैं, जो उसके बेटे को बहुत पसंद आता है। पर ह्युनसु कहता है कि मैंने बैंक से काफी लोन लिया है, उसका इंस्टॉलमेंट मैं कैसे भरूंगा, इसलिए मुझे गांव जाकर रहना पड़ेगा और वो फ्लैट रेंट पर देना होगा। अब वो गांव में घर देखने जा रहा था, तब उसकी वाइफ उसे चिल्ला रही थी कि घर बराबर से चेक करना कि पानी और लाइट का कनेक्शन ठीक है या नहीं। तब ह्युनसु के सामने एक गाड़ी थी जिसमें था मिस्टर किम। अब ह्युनसु ओवरटेक करने जा रहा था, पर मिस्टर किम उसे ओवरटेक करने देता ही नहीं। और तब एक ट्रक सामने आ जाती है, पर ह्युनसु बच जाता है। अब ह्युनसु अपने रास्ते जाता है और मिस्टर किम अपने घर आता है, जहां उसकी बेटी अपनी मम्मी का मेकअप लगा रही थी। पर पापा के आते ही वो डर कर सोने चली जाती है। एक्चुअली मिस्टर किम और उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला था, वो अपनी वाइफ को काफी टॉर्चर करता था। अब अंदर आते ही वो देख लेता है और अपनी बेटी को डांटता है कि तुमने वहां हाथ क्यों लगाया, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, और क्या तुम मम्मी से बात करती हो। तब वो ना कहती है, वो बहुत डरी हुई थी। तब किम उसे बहुत मारता है, वो एक साइको की तरह बिहेव करता था। और तब उसकी मम्मी का कॉल आता है और उसे वो फोन मिल जाता है और वो अपनी वाइफ को धमकाने लगता है। तब उसकी बेटी उसके मुंह पर कैंडल फेंक कर वहां से जंप करती है और जंगल में भाग जाती है। अब ह्युनसु वहीं से वापस जा रहा था। यहां किम अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो बच्ची अपने पापा से इतना डरती थी कि उसे अकेले इतनी रात को इस जंगल से भी डर नहीं लग रहा था। तब भागते भागते वो सीधे ह्युनसु के गाड़ी के सामने आ जाती है। ह्युनसु बहुत डर जाता है, उसके सर से बहुत खून बह रहा था। अब उस सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था, तो ह्युनसु रोते हुए उस बच्ची की लाश को उस नदी में फेंक देता है और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां उसे यही सपना बार बार आता था। ह्युनसु अब काफी बूढ़ा हो चुका था और वो जेल में था और अपने बेटे सुवान से मिलना चाहता था। उस एक्सीडेंट के बाद ह्युनसु पकड़ा गया था और सारे लोग उसके बेटे को किलर का बेटा कहकर परेशान करते थे। तब उसके अंकल आंटी सुवान को घर से निकाल देते हैं। तब ह्युनसु का फ्रेंड जो एक डाइवर था और उस गांव में रहता था, वो आकर सुवान को ले जाता है। ह्युनसु को डेथ पेनल्टी दी गई थी, पर स्टोरी यही खत्म नहीं होती। स्कूल चेंज करने के बाद भी वो सब उसे काफी कुछ सुनाते, जिस वजह से सुवान की उनके साथ फाइट हो जाती है। तब वो अंकल कहते हैं कि हम दूसरे स्कूल में ट्राई करते हैं, पर वो कहता है कि अब बस हो गया, मुझे स्कूल नहीं जाना। और ये सब वो ह्युनसु को बताता है कि सुवान अब डाइविंग सीख रहा है। ह्युनसु एक लास्ट टाइम अपने बेटे से मिलना चाहता था, क्योंकि कभी भी उसकी डेथ हो सकती थी। और वो अपने बेटे से मिलता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है। अब मूवी फिर से पास्ट में चली जाती है। अब किसी को पता नहीं था कि ह्युनसु ने उस बच्ची को नदी में डाल दिया था। यहाँ वो अपनी कार रिपेयर करवाता है। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, वो बहुत रोता है। उसके घर वापस आते ही उसकी वाइफ उसे काफी सुनाती है।
कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते और अपार्टमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब उसके ताने सुनते ही ह्युंसु का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे वहां जाना पड़ा, अगर वो वहां नहीं जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसलिए उसे अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा आता है। पर तब उसका बेटा देख रहा था, तब वो रुक जाता है। अब नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली को लेकर उसी गांव में रहने आता है और उसी नदी में एक डैम था और ह्युंसु वही जॉब करने वाला था। तब वहां काम करने वाला एक आदमी उसे बताता है कि एक 12 साल की बच्ची खो गई है, इसलिए सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तब ये ड्राइवर जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो इस डैम के बारे में बता रहा था कि यहाँ से बहुत पानी फ्लो होता है और ये डैम उस पानी को रोकता है, वरना गांव के अंदर सारा पानी चला जाएगा। तब ह्युंसु उस बच्ची के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि किम को यहाँ सब जानते हैं। वो एक डेंटिस्ट है, उसका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। अब वो लोग उस नदी में उसे ढूंढते हैं। अब ह्युंसु भी ये सब देख रहा था। तब उन्हें उसकी बॉडी मिल जाती है। अब उसकी बॉडी देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। उन्हें सीसीटीवी में बहुत दूर से एक कार दिखाई देती है, पर नंबर प्लेट क्लियर नहीं दिख रहा था। यहां उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया जा रहा था और यहां ह्युंसु ने काफी ड्रिंक किया था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था और उस डैम पर जाकर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तब उसका फ्रेंड उसे रोकता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को मारा गया था और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, ना कि किसी एक्सीडेंट से। पर उसकी बॉडी पर काफी चोट के निशान भी थे, क्योंकि किम उसे बहुत मारता था। अब उन्हें किम पर ही शक हो रहा था। तब उन्हें न्यूज मिलती है कि उसकी वाइफ ने भी अपनी जान दे दी। अब ये सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो अपनी बेटी के कातिल को पकड़ना चाहता था। अब किम उसी रास्ते से फिर से जाता है जहां से उसकी बेटी गई थी। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। और तब वो उस रास्ते पर पहुंचता है और एक गाड़ी फुल स्पीड में उसके सामने से जाती है। वो थोड़ा साइको जरूर था, पर अपनी फैमिली से बहुत प्यार भी करता था। अब घर पर ह्युंसु अपने बेटे के लिए काफी एक्सपेंसिव शूज लाता है। तब फिर से पति पत्नी में पैसों को लेकर काफी बहस हो जाती है और ह्युंसु गुस्से से वहां से जाने लगता है कि तब किम उसके सामने आ जाता है। तब उसके होश उड़ जाते हैं, पर वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब किम को कुछ डाउट आता है और वो उस रात गांव के टोल गेट से गए हुए गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मांगता है। अब उस एक्सीडेंट के बाद से ह्युंसु की हालत काफी खराब रहती थी। वो रात को उसी जंगल में पागलों की तरह घूमता था और किम उसे देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुवॉन उस बच्ची के फोटो पर एक फूल रखता है। अब नेक्स्ट रात किम उसी जंगल के रास्ते पर एक ट्रैप रखता है और ह्युंसु फिर से उसी रास्ते से जाता है और वहां फंस जाता है। पर मेन टाइम पर उसका बेटा और फ्रेंड आकर उसे ले जाते हैं। सुबह किम ये देख लेता है। यहाँ हॉस्पिटल में उसकी वाइफ उसे देखकर रोने लगती है। उसे भी समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है। अब किम को पता चल जाता है कि वो कार ह्युंसु की ही थी और वो उसे फॉलो करके उसकी कार को टक्कर मारता है और उसे उस डैम के वहां ले आता है। ह्युंसु उसे सॉरी कहता है, पर किम उसे बहुत मारता है। तब वो ह्युंसु को बताता है कि उसने उसके बेटे को नदी के बीच बांध दिया है और डैम का दरवाजा बंद कर दिया है और बहुत जल्द वहां पानी भर जाएगा। तब वो रोने लगता है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, मैंने तुम्हारी बेटी को मारा है। तब वो पूछता है कि तुमने मेरी बच्ची को क्यों मारा। तब ह्युंसु सब बताता है कि उस रात कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक वो सामने आ गई। तब उसे एक कॉल आया और उसने अपनी आंखें खोली। एक्सीडेंट के बाद भी वो जिंदा थी, तो उसने उस बच्ची का मुंह बंद कर दिया। वो बहुत डर गया था और दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो गई।
और तब डैम का सायरन बजने लगता है। ह्युंसु अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उन दोनों की काफी फाइट हो जाती है। अब ह्युंसु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने बेटे को बचाने के लिए वो उस डैम के सारे गेट्स खोल देता है। उसका फ्रेंड उसे मना करता है कि ऐसा करने से सारा गांव डूब जाएगा। तब किम वहां पर भी आ जाता है। तब ह्युंसु किम को वहां से पानी में फेंक देता है और उसका फ्रेंड उसके बेटे को ढूंढ लेता है। पर तब तक बहुत तेजी से उस नदी का पानी सारे गांव को डुबा देता है और उस गांव के आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब सुवोन को पुलिस बचाकर ले जा रही थी, तब वो उस गांव को डूबते हुए देखता है। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। ये सब जानकर सुवोन गुस्सा करता है कि आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए था, कम से कम इतने सारे लोगों की जान तो बच जाती, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, मैं जिंदा रहकर भी पल पल मर रहा हूं। तब ह्युंसु बहुत रोता है, वो माफी मांगता है। घर जाते वक्त सुवोन उसके पापा के फ्रेंड को थैंक यू कहता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ था। और हम देखते हैं कि किम जिंदा था और आज भी वो अपना बदला लेना चाहता था। यहां किम सुवोन को ढूंढ लेता है। वो उसे नदी में फेंकने जा ही रहा था कि तब उसे न्यूज मिलती है कि ह्युंसु ने जेल में अपनी जान दे दी। अब ये सुनकर किम का दिमाग घूम जाता है क्योंकि वो उसके बेटे को उससे पहले मारकर ह्युंसु को तकलीफ पहुंचाना चाहता था, पर ह्युंसु की मौत पहले हो गई। अब किम गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी फैमिली की फोटो देखता है। उन्हें एक लास्ट टाइम याद कर वो अपने आप को शूट करता है और उसकी कार नीचे पानी में गिर जाती है, पर सुवोन वहां से बचकर बाहर आ जाता है। लास्ट सीन में वो अपने पापा के आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।